आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद की गठरी। सासू माँ ने खुश होते हुए सरला से कहा, बेटा हुआ है, बधाई हो बेटी। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने आ गया है, अब तुम्हारे बुढ़ापे की चिंता खत्म। अच्छे से सेवा करेगा, देखो कितना तेज दिखता है। तेरे से माँ बाप का नाम रोशन करेगा। मिठाइयाँ बाटी गई खुशी खुशी। बेटे का घर में स्वागत किया गया। सरला भी बहुत खुश थी। चलो लड़का हो गया, सब खुश है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अब चिंता खत्म, एक लड़का हो गया। सब अपने अपने मन की खुशी जाहिर कर रहे थे। सरला के पति भी खुशी में सबका साथ दे रहे थे और कह रहे थे, क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की, आजकल सब बराबर है। माँ बोली, तुझे अभी नहीं पता, जब बेटा बड़ा होकर तेरा सहारा बनेगा ना, तब पता चलेगा। बेटी होती तो दूसरे घर भेजना पड़ता, बेटा सारी जिंदगी तेरे साथ रहेगा, तेरे बुढ़ापे में तेरी लाठी बनेगा। उधर सरला की सहेली मोहिनी को लड़की हुई। मोहिनी खुश थी, चलो लक्ष्मी आई है। मोहिनी की सासू माँ भी खुश थी, चलो अब घर में रौनक रहेगी। लेकिन मोहिनी के पति को जरा भी खुशी न हुई, वो उदास हो गया। बोला, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे करूँगा, कितना ध्यान रखना पड़ेगा, लड़का होता तो थोड़ा बड़ा होके मेरा हाथ बटाता, अब अकेले ही सब संभालना है। उसका मन बुझ गया, लेकिन माँ के आगे कुछ न बोला। सरला ने अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा और मोहिनी ने अपनी बेटी का नाम रानी रखा। दोनों एक साथ बड़े होने लगे। दोनों अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। प्रिंस और रानी दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। माँ पिताजी की बात मानने वाले, दादी दादा से बहुत प्यार करने वाले, समझदारी दोनों में कूट कूट कर भरी थी। सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, कभी उनको कुछ समझाना ना पड़ता। दोनों बड़े होने लगे। रानी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और पिताजी के कामों में भी उनका साथ देती। शुरू में तो रानी के पिता उससे ढंग से बात नहीं करते थे, लेकिन वो बुरा नहीं मानती थी। वो यही सोचती थी कि पिताजी पर जिम्मेदारियां है, इसलिए वो परेशान रहते हैं। वो अपने आप को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं प्रिंस भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। एक दिन अचानक प्रिंस पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया। सब लोग तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। डॉक्टर ने सब देखा, उसका चेकअप किया, पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उसने दूसरे किसी और डॉक्टर को दिखाने को कहा। वहाँ भी टेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। प्रिंस को घर ले आए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। दुख के मारे दादी दादा बहुत परेशान हो गए। किसी को कुछ नहीं समझ में आया और प्रिंस ने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर दवाई दे रहे थे, लेकिन हालात वैसे ही बनी हुई थी, दवाई काम नहीं कर रही थी। सरला सारा दिन बेटे की सेवा करती। दुख के कारण दादा दादी भी बिस्तर पर हो गए। सरला जो बेटे के बड़े होने पर जिम्मेदारी से मुक्त होने वाली थी, पर अब और जिम्मेदारियों में गिर गई। दादी जिसने कहा था कि बेटा बड़ा होकर सहारा बनेगा, आज उसी को सहारे की ज़रूरत थी। दादी अपनी ही कही बातों को याद कर करके रोए जा रही थी। प्रिंस की वजह से थोड़े ही दिनों में दादा दादी ने दुनिया छोड़ दी। अब सरला कहीं आती जाती भी नहीं थी, दिन भर बेटे की सेवा करती। पति काम पर चला जाता, सरला घर में अकेली रहती, सारा दिन दुखी रहती। लेकिन कोई क्या कर सकता था, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है, यही सोचती रहती दिन भर। वहीं
रानी धीरे धीरे अपने पिताजी का काम संभालने लग गई। उसके पिताजी को अब चैन मिल जाता क्योंकि रानी पूरी दुकान अकेले संभाल लेती थी। अब उसके पिताजी भी उससे अच्छे से बर्ताव करते थे। अब वो समझ गए कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता। रानी की शादी का समय भी आ गया। रानी ने जिद करके घर की जितनी नज़दीक हो सके शादी करने की शर्त रखी। पिताजी मान गए। घर के पास ही रानी की शादी हो गई। वो अपने माँ बापू का ख्याल रखती। उसका पति भी अच्छा था, तभी उसे किसी काम के लिए रोकता ना था। जो बापू रानी के पैदा होने पर जिम्मेदारी को लेके परेशान था, आज उसी रानी ने माँ बापू को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर उनकी जिम्मेदारी उठा ली थी। वही सरला जिसको सबने कहा था कि उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला आ गया है, सरला इस उम्र में उसकी जिम्मेदारी उठा रही थी। कभी सोचा भी ना था कि ऐसा हो जाएगा। पैदा हुए बच्चों को जिम्मेदारी से मत देखिए। अब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो वो बहुत मान से आपके यहाँ आता है, लेकिन पैदा होते ही जब उसे तोलना शुरू कर दिया जाता है, वही कर्मों का हिसाब बदल जाता है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।